आखिर ये हिंसा 90 दिनों से हो रही थी, क्या इनपुट जो है आपकी जो गुप्त एजेंसियां हैं, क्या होम मिनिस्टर को भी इसकी जानकारी नहीं थी, क्या प्रधानमंत्री को भी इसकी जानकारी नहीं थी, क्या मुख्यमंत्री को भी उनके प्रदेश में हिंसा लगातार 80-85 दिनों से हो रही है उनको जानकारी नहीं थी, क्यों छिपाया गया? क्या आप सदन के भीतर आके ये कहेंगे कि क्यों छिपाया गया, किस लिए छिपाया गया? क्या प्रधानमंत्री आके सदन में जवाब देंगे कि क्या आपकी सरकार फेलियर थी? क्या आप ये जवाब सदन के भीतर देंगे कि आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि जो दो महिलाओं का वीडियो वायरल हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरह से उनके शरीर को असम्मानित किया जा रहा है, मांस को नोचने जैसे एक राक्षसों की तरह जो बिहेव हो रहा है, और सीएम कह रहे हैं कि ऐसे 100 एफआईआर और घटनाएं होंगी, क्या इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं थी? हम लोग की सिंपल डिमांड है और अनफॉर्चुनेट है कि ये लगातार लगातार सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब एक स्टेटमेंट दी, वो भी सदन के बाहर, तो उसमें पहले राजस्थान की बात, छत्तीसगढ़ की बात, हम नहीं कह रहे कि हम रेप के खिलाफ नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, उनके साथ दुख नहीं है। आज की तारीख में क्या वो सिंपल तरीके से ये नहीं कह सकते थे कि हम महिलाओं के साथ हैं, हम उनके सम्मान के साथ हैं, और जो मणिपुर में हिंसा लगातार 90 दिनों से हो रही है उसका मैं जवाब देने के लिए सदन के भीतर तैयार हूँ। हम लोग की सिंपल सी ये डिमांड है। और मुझे लगता है, मैं खासकर इनकी महिला बाल विकास मंत्री साहबा को बोलूँगी, जिन्होंने आज उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये बॉर्डर इलाका है, वियतनाम का बॉर्डर है, वहाँ से ड्रग्स की भी बहुत सारी स्मगलिंग होती है, 90 दिन से हमारे बॉर्डर इलाके में हिंसा हो रही है, तो क्या इसका जवाब सदन के भीतर सरकार को नहीं देना चाहिए? आपकी सरकार भगौड़ों की तरह बिहेव क्यों कर रही है? ऊपर से अपने मंत्रियों को बिल से निकालते हैं। अरे, मंत्री को भी बुलवाना है तो सदन के भीतर बुलवाइए। बाहर में मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं को जिस तरह से नोचा गया है, उसके लिए आपको एक शब्द भी बोलने का ऑर्डर नहीं है, तो निश्चित तौर से जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, आपको उस पार्टी को नालक माननी चाहिए और अपने पद से आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सिंपल शब्दों में कहूँगी कि आज की तारीख में आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, दिल्ली की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हरियाणा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सवाल राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का सवाल ये नहीं है कि जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, जहाँ पे भाजपा की सरकार है, सवाल ये है महिला के साथ जिस तरह का अमर्यादित व्यवहार हुआ है, और जो मणिपुर पे हो रहा है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, जहाँ पे वियतनाम है, जहाँ पे और सारी बहुत सारी बातें हैं, और 90 दिन से आप हिंसा को रोकने में फेलियर हुए हैं, तो वहाँ पे आप इन बातों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? मैं कहूँगी हर प्रदेश में महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होना एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसको मणिपुर के मुद्दे के साथ जोड़ना, मणिपुर के उस वीडियो के साथ जोड़ना, मुझे शर्म आ रही है। मैं आपको दिल खोल के बोलती हूँ, अगर महिला विकास मंत्री सुन रही हो तो, मुझे हर प्रदेश में, हर जगह पे जहाँ पे महिलाओं के साथ अगर इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। कभी आप तो भी बोलिए, अभी आप मणिपुर का हुआ तो आप राजस्थान की बात कर रही हैं, नालत है आपकी इस राजनीति में। आपने एक भी शब्द पहलवानों के लिए बोला था क्या? आपका सांसद बेल लेकर खीखी कर रहा है, मीडिया की बहनों के साथ बदतमीजी कर रहा है, लेकिन उसको सेक्सुअल हरासमेंट पे, जिस पे पॉक्सो भी लगा था, उसको आप जेल से बाहर कर देते हैं और आप सफाई पेश कर रहे हैं। अभी आप मणिपुर की बात करें, और मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को बोलना चाहूंगी कि भगौड़ा मत बनिए, हिम्मत है तो सदन के भीतर विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जब जब सत्ताधारी महिलाओं का सम्मान करते हैं, जब जब अपने अहंकार में
अधर्म का साथ देते हैं तो निश्चित तौर से जो उनका विनाश है वो निश्चित है। और मुझे लगता है इन घटनाओं से और प्रधानमंत्री के और उनके मंत्रियों के जो भाषण और स्टेटमेंट है, आपका विनाश निश्चित है। और एक ही बात है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं फिर कहूंगी कि आज दो दिन आपने वेस्ट किए हैं पार्लियामेंट के। हम फर्स्ट आइटम 267 एडजर्नमेंट मोशन में जो अति महत्वपूर्ण है, मणिपुर का जो इशू है, 150 लोगों की डेथ हुई है, 50,000 लोग लगभग बेघर है, लगातार वहां पे हिंसा हो रही है, इंटरनेट बंद है, एक दूसरे विलेज में लोग बंकर बना बना कर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उनके पास जो आर्म्स है, जो हम लोगों को सूचना मिल रही है वो आपके पुलिस के पास भी नहीं है, जो महिलाओं के साथ व्यवहार हुआ वो पुलिस से छीन के लेके गए, उनके बेटे को मार, भाई को मार दिया गया, पति को मार दिया गया, इन सवालों का जवाब हम सदन में चाहते हैं। आप आकर हमारे सदन में, अगर आप डरते नहीं हैं, आपका 56 का सीना है, तो इन सवालों का जो जवाब है सदन के भीतर देना सत्ता पक्ष वालों का कर्तव्य बनता है। देखिए, जहां तक बंगाल का और जो मालदा का इंसिडेंट उन्होंने जिक्र किया है, उस पर डीजी ने सामने आकर उसको डिनाई किया है और उन्होंने साफ कह दिया कि वो फेक है। जहां तक मैं ममता दी को जानती हूँ, वो एक महिला है और मुझे नहीं लगता, देखिए मैं फिर बोलूँगी कि मैं ये नहीं कहती कि किसी भी प्रदेश में महिला के साथ बदतमीजी नहीं होती है, लेकिन हम उसके साथ खड़े हैं, एक जनप्रतिनिधि उसके साथ खड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है।